सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के कैपरॉन वन का अब जो रिजल्ट है वो लगने वाला है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कैपरॉन वन में हमें कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट होता है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजे तक हमारा ये जो रिजल्ट है वो रिलीज हो सकता है। साथ ही में गाइस मैं आपको अलॉटमेंट लेटर के कुछ जो एग्जाम्पल्स है वो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझेगा कि किस टाइप से पता चलता है कि हमें कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। इसके अलावा गाइस, जैसे ही हमारा अलॉटमेंट रिलीज होगा तो उसके बाद बेटरमेंट एंड फ्रीज की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो कैसे आप बेटरमेंट कर सकते हो, कैसे आप फ्रीज कर सकते हो, ये सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में जो है थोड़ा जो आइडिया है वो दूंगा, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो पहले से ही पता रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अलॉटमेंट लेटर है वो कितने बजे तक जो है वो रिलीज होता है, एंड यहाँ पे गाइस हमें थोड़ा जो वेट है वो करना पड़ सकता है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिखा देता हूँ एंड फिर मैं आपको जो टाइमिंग है वो भी बताता हूँ। तो देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू डेट्स 20 तारीख को हमारा जो अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज हमें लगा है। बट सीईटी सेल इतने आसानी से जो अपडेट है वो नहीं डालता है अपने वेबसाइट पे सुबह सुबह की सुबह उठे वो देख लिया रिजल्ट, ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग एंड एमबीए का रिजल्ट लगा था, तो 9:30 बजे रात को जो रिजल्ट है वो लगा था। तो एक्सपेक्टेड टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो रात के 9 बजे से लेकर तो रात के 12 बजे तक अपडेट आने के जो चांसेस है वो रहेंगे। इस टाइम के बीच में हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो लग जाए एंड पता चले आपको कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला हुआ है। तो जनरली रात में ही अपडेट आने के जो है वो चांसेस रहेंगे, तो ज़्यादा वेट मत करना। जब अपडेट आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा, बट लेट ही जो अपडेट है वो आएगा, इसका जो है वो ध्यान रखना। जनरली 9 से 12 के बीच में रात को जो है वो अपडेट आ सकता है। फिर उसी दिन गाइस आपको अपने लॉगिन में जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगले दिन जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलता है लॉगिन के अंदर, जहाँ पे आप अपना जो बेटरमेंट एंड जो फ्रीज है वो कर सकते हो। तो वो कैसे करना वो भी मैं आपको जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे ऑप्शंस आते हैं वो सारी जो चीज़ है वो दिखा दूंगा वीडियोस के थ्रू, तो आपको कोई भी जो मतलब कंफ्यूजन वगैरह वो नहीं होगा। एंड याद रखना गाइस कि 21 तारीख को ही बेटरमेंट या फ्रीज मत करना, बिकॉज पहले पोर्टल में काफ़ी मिस्टेक्स होती है। तो 22 तारीख को अगर करोगे तो सबसे सेफ रहता है एंड कोई प्रॉब्लम भी जो है वो फेस नहीं करना पड़ता है, तो वो बेस्ट टाइम रहता है बेटरमेंट या फिर फ्रीज करने के लिए। एंड फिर अगर आप फ्रीज करते हो तो उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर बेटरमेंट करते हो तो फिर जब कैपराउंड 2 स्टार्ट होगा तब फिर से हमें ऑप्शन फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, जैसे ये अलॉटमेंट लेटर है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, तो कुछ इस टाइप से डीएससी का भी जो अलॉटमेंट लेटर है वो आता है, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी जो है वो रहेगी, कौन सा कॉलेज आपको मिला उसका नाम यहाँ पे जो है वो रहेगा, कौन सी ब्रांच आपको मिली, चॉइस कोड क्या है, बेनिफिट कौन से बेनिफिट से यहाँ पे आपको मिली, ये सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज लगा वो भी यहाँ पे जो है वो मेंशन रहता है, जैसे स्टूडेंट को 31st प्रेफरेंस का कॉलेज लगा तो आपको जो भी प्रेफरेंस का कॉलेज लगा रहेगा वो भी यहाँ पे जो है वो मेंशन रहता है। तो यहाँ से आप डिटेल में देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको लगा है, कौन सी ब्रांच लगी है एंड कौन से नंबर का कॉलेज आपको जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो रहता है। एंड डाउनलोड करने के लिए गाइस अलॉटमेंट लेटर आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है वो आना पड़ेगा। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे आके जब आप होम पे जाओगे तो होम वाले सेक्शन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। एंड जब आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे एंड लॉगिन करोगे तो लॉगिन के अंदर वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर का ऐसा एक जो ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिटेल में बताया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो लगा है। एंड जितना मुझे पता है गाइस कि डीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं होता है, तो अगर भी आपको भी कैपरॉन वन में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में वैसे बता देना। ऐसा होना नहीं चाहिए बट अक्सर होता है, बिकॉज डीएससी वाले कॉलेजेस ही ऐसे डालते जो लगते ही नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं लगते तो सेकेंड राउंड में वो जो है वो जाते हैं। तो सेकेंड राउंड की भी स्ट्रैटेजी जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। अगर नहीं समझ में आता कि कैसे लिस्ट बनाना चाहिए तो आप हमारी मिनी काउंसिलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है 3-4 मॉड्यूल में कि कैसे आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, ताकि आपको पहले ही राउंड में जो कॉलेज है वो लग जाए। अगर नहीं लगता है तो सेकेंड राउंड की स्ट्रैटेजी के लिए भी आप ये जो कोर्स है वो ले सकते हो, इससे आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में भी आएगी, साथ ही में कैसे आप बच सकते हो बुरे कॉलेजेस से वो भी मैंने बताया है, तो आपको काफ़ी अच्छी जो हेल्प है वो हो जाएगी एंड ईजिली आप अपनी जो लिस्ट है वो बना पाओगे, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो तो ही लेना, नहीं तो फिर आप अपनी लिस्ट खुद भी बना सकते हो, बाकी मैंने इसमें बताया है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस जैसे रिजल्ट आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा, बट एक्सपेक्टेड टाइम थोड़ा लेट है तो लेट रिजल्ट आ सकता है। बाकी सारी जो चीज़ है वो तो मैंने आपको जो है वो बता दी। एंड फिर जब कैपराउंड 2 स्टार्ट होगा तो उसकी भी स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो सब कुछ भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।